ये रिटन टेस्ट में 15 क्वेश्चन मेनली पूछे गए थे, 15 के 15 क्वेश्चन सारे के सारे एसक्यूएल से ही रिलेटेड थे, यानी कि इस राउंड में आपके सिर्फ एसक्यूएल स्किल्स ही चेक किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्टल एनालिटिक्स के इंटरव्यू के बारे में। सो अगर फ्रैक्टल आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ फ्रैक्टल, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है फ्रैक्टल के साथ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो मैंने स्पेशली 2 से 7 साल एक्सपीरियंस बंदों के लिए बनाई है, लेकिन बाकी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा डाउट्स को क्लियर कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि मेरा फ्रैक्टल एनालिटिक्स का इंटरव्यू क्लियर हो गया था और मैं इसके लिए शॉर्टलिस्ट भी हो गया था, और मुझे इसका अगले ही दिन ऑफर लेटर भी आ गया था। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि जो मैंने उस टाइम पे फेस किया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बता दूं। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक ऐसी कंपनी थी जो मैंने उस टाइम पे रिसर्च की थी कि एक ऐसी कंपनी है जो कि मेनली एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ डील करती है, यानी कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज पे ये काम कर रही थी, जो कि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही थी कि हाँ, मैं भी इस टेक्नोलॉजीज में आगे काम करना चाहता, तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस कंपनी में मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि काश मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। मैंने 3 बार मेनली इसमें ट्राई किया था, बार बार अपने रिज्यूमे भेजे, बार बार इनके जॉब पोर्टल पे जाकर अप्लाई किया, और मुझे 3 बार इनका मेल आया जिसमें इन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया हुआ था। 2 बार तो मैं रिटर्न टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन 3rd टाइम मेरा रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे HR का कॉल आता है और HR मुझे सारे स्टेप्स उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स में मेनली 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है रिटर्न टेस्ट, उसके बाद 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, देन उसके बाद एक HR डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, जो कि था रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने 3 बार इनके रिटर्न टेस्ट दिए हैं, और 3 बार सेम ही क्वेश्चन मुझे हर एक टेस्ट में पूछे गए। पहली बार जब मैंने रिटर्न टेस्ट दिया था तो मैंने पाइथन डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। दूसरी बार जब मैंने इंटरव्यू प्रोसेस दिया था इनका, तो उस टाइम पे मैं बैकएंड डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा था। और तीसरी बार जब दिया था तो मैं फुल स्टैक डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा था। लेकिन 3 ही बार इनका रिटर्न टेस्ट सेम था, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सेम थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी भी इसका रिटर्न टेस्ट देते हो, तो उसके जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं उनको एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार भी आपको सिमिलर वही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये रिटर्न टेस्ट में 15 क्वेश्चन मेनली पूछे गए थे, 15 के 15 क्वेश्चन सारे के सारे एसक्यूएल से ही रिलेटेड थे, यानी कि इस राउंड में आपके सिर्फ एसक्यूएल स्किल्स ही चेक किए गए थे कि आप एसक्यूएल में क्वेरीज कैसे बना सकते हो वगैरह वगैरह, जो भी एसक्यूएल में क्वेश्चन आते हैं, ये सारा राउंड सिर्फ इसी के रिलेटेड ही था। उसके अलावा इनमें जो 15 क्वेश्चंस थे, 15 में से 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि MCQs थे। MCQs से मेरा मतलब कि जो भी वहां पे 12 क्वेश्चंस होते थे, उन सब की 4 ऑप्शंस हुआ करती थी, और उन 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन ठीक होती थी जो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती थी। उसके अलावा जो 3 क्वेश्चन रह गए थे, वो 3 क्वेश्चन SQL क्वेरी से रिलेट करते थे, यानी कि उन सब 3 क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती थी जो भी उन्होंने डेटाबेस दिया होता था उस टाइम पे आपको, कि इनमें से कोई डेटा निकाल कर ऐसी कोई क्वेरी लिख दे, तो वो सब क्वेश्चन उन्होंने वहां पे मेंशन किए होते थे, तो आपको इन 3 क्वेश्चन के लिए एक क्वेरी लिखनी पड़ती थी। तो यही रिटर्न टेस्ट जब आपका हो जाता था, तो आपको कंफर्मेशन के लिए कुछ ऐसी डिटेल्स भी देनी पड़ती थी जो कि HR ने पहले ही उस मेल में मेंशन करी होती थी, जैसे कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, आपका करंट CTC कितना है, और आप एक्सपेक्टेड CTC कितना चाहते हो। ये सब डिटेल्स भी आपको अपने टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उनको भेजनी पड़ती थी। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो उनके HR आपको कनेक्ट कर लेंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते तो वो बाद में रिप्लाई भी नहीं करते। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने बाद में रिप्लाई भी नहीं किया, और 1 बार जब मेरा टेस्ट क्लियर हो गया तो उनके बाद उन्होंने खुद ही कॉल कर लिया था। अब बात करते हैं दूसरे राउंड के बारे में, जो कि था टेक्निकल डिस्कशन राउंड 1। ये राउंड एक ऐसा राउंड था जो कि मुझे वन ऑफ द टफेस्ट राउंड लगा आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, क्योंकि इस राउंड में उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछ डाला, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे कंसेप्ट पूछ डाले पाइथन, जेंगो और SQL के, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, सब कुछ ही पूछ डाला। यानी कि उन्होंने डेकोरेटर्स तक, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सब कुछ पूछ डाला। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पूछ रहे थे, इन्होंने इनके सारे सारे प्रोग्राम भी बनवाए वहां पे। मुझसे डेकोरेटर को उन्होंने पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स पूछी, प्रॉपरली एक प्रोग्राम बनवाने के लिए बोल दिया, और उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस था, उन सबसे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बनवाए।
और उसके अलावा जैंगो से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी, क्वेरी सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनके सबके सब पूछ डाले। एसक्यूएल की अगर मैं बात करूं तो जॉइंस कहीं नहीं गए थे, जॉइंस उनके लिए बहुत सिंपल सी चीज थी। उसके बाद इंडेक्सेस, नॉर्मलाइजेशन, ये सब कंसेप्ट उन्होंने पूछ डाले, और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहे थे, उन्होंने मुझसे इन सब चीजों की प्रॉपरली लिखवा कर देखा वहां पे कि इन सब चीजों की क्वेरीज लिखो, इन सब चीजों के प्रोग्राम्स बनवा कर दो। तो ये राउंड मेरा वन ऑफ द टफेस्ट राउंड रहा था जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यूज दिए हैं, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्थ भी था क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि इन सब क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करते हैं, और मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड भी था, और मेरा ये राउंड बहुत ज्यादा अच्छा भी गया। इनिशियली मैंने बैकएंड डेवलपर के लिए अप्लाई किया था इस कंपनी में, लेकिन बाद में मुझे फुल स्टैक डेवलपर की पोजीशन ऑफर कर दी गई थी, और लकीली मेरा पिछला राउंड क्लियर हो गया। और अब बारी थी थर्ड राउंड के बारे में, जो कि था टेक्निकल डिस्कशन राउंड सेकंड। अगर मैं इस राउंड का कंपैरिजन पिछले राउंड के साथ करूं तो ये राउंड काफी इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस राउंड, क्योंकि पिछला राउंड बहुत ही ज्यादा टफ था, पता नहीं वो कैसे क्लियर हो गया। लेकिन इस राउंड की अगर मैं बात करूं तो ये काफी इजी था, क्योंकि इस राउंड में ज्यादा फोकस टेक्निकली नहीं किया गया था, जो भी मैंने किया था या फिर जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उन्होंने उसके बारे में ही ज्यादा पूछा। तो सबसे मेन जो क्वेश्चन था वो था मेरे जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए थे उनके बारे में, कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया हो। तो होपफुली मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी की हुई थी अपने प्रीवियस कंपनी में, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे स्टार्ट किए थे जो कि स्क्रैच से स्टार्ट हो रहे थे, और एंड में मैंने उनकी डेवलपमेंट की, टेस्टिंग की, और इवन की उनको डिप्लॉय भी किया उनके सर्वर्स पे। तो ये सब चीजें मेरे बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट में काउंट हो रही थी, और वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे। इसके अलावा मेरे जो भी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन रहती थी, कि हम किस तरह से उनसे इन्फॉर्मेशन लेते थे, किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, वो सब चीजें भी मैंने उनको बताई। तो मैंने पूरा साइकिल बता दी कि किस तरह से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, और उसके बाद किस तरह से वो डेवलपमेंट उसमें चलती है, टेस्टिंग चलती है, डिप्लॉयमेंट चलती है, वो सब चीजें उनको मैंने बताई, और किस तरह से हम बाद में उनकी मेंटेनेंस करते थे। तो आई गेस कि ये सब चीजें मेरे प्लस पॉइंट में ही काउंट हुई, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे उस दौरान, जिसके कारण ये इंटरव्यू का लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया कि उन्होंने मुझसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे। जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था सब कुछ सिर्फ उसी में ही पूछा गया, और मैंने सारा का सारा एक्सपीरियंस अपना वहां पे जाके बता दिया। और अब बात करते हैं फाइनल राउंड के बारे में, जो कि था एचआर डिस्कशन। अब ये राउंड एकदम फॉर्मेलिटी की तरह चल रहा था, कि उसमें वो सिर्फ मुझसे थोड़े एचआर टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि बेसिक हर एक एचआर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन इस एचआर डिस्कशन में भी पूछे जा रहे थे। और उसके अलावा सैलरी डिस्कशन इसी राउंड में हुई, और ये सब भी बहुत ज़्यादा स्मूथली निकल गया था मेरा राउंड। और उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, और मुझे 1 या 2 दिन के बाद उन्होंने ऑफर लेटर भी भेज दिया। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं इंस्टाग्राम पर जरूर रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।